share together. सलमान खान और सूरज बड़जात्या के कॉम्बो को फैंस बेहद पसंद करते हैं। चाहे हम आपके हैं कौन हो या हम साथ साथ हैं हो। सलमान की आखिरी बड़जात्या के साथ फिल्म प्रेम रतन धन पायो थी। इस फिल्म के रिलीज के 3 साल बाद इससे जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। इन दोनों ने एक साथ अब तक महज 4 फिल्में की हैं और चारों ब्लॉकबस्टर रही हैं। वहीं अब इस फिल्म से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, प्रेम रतन धन पायो में सलमान खान की ऑपोजिट सोनम कपूर थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म के लिए सोनम पहली पसंद नहीं थी। सोर्स की माने तो सोनम से पहले दीपिका पादुकोण को ये फिल्म ऑफर हुई थी, लेकिन कुछ वजह से दीपिका ने ऑफर ठुकरा दिया था। जब इस बारे में दीपिका से बात की तो उन्होंने कहा कि फिल्म हमेशा उनकी होती है जो उन्हें करते हैं। उसके बाद ये मैटर नहीं करता कि किसने फिल्म की और किसे पहले ऑफर हुई थी। इसलिए मैं सिर्फ उन्हीं फिल्मों के बारे में बात करती हूँ जो मुझे ऑफर हुई हो। प्रेम रतन धन पायो में पहली बार सोनम कपूर ने सलमान के साथ स्क्रीन शेयर किया था। दिलचस्प बात यह है कि प्रेम रतन धन पायो में सूरज और सलमान ने 16 साल बाद काम किया था। इस फिल्म ने 400 करोड़ की कलेक्शन की थी। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए माया हुई कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।